क्या दोस्तों, आपके मन में अगर चिकन शॉप का बिजनेस करने के बारे में आप सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं ये वीडियो में आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा कि ये बिजनेस करने के लिए कौन कौन से लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के आपको लेना है। बेसिकली आपको आइडियाज़ के बारे में वीडियोज़ तो बहुत देखने मिलते हैं, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसका कि भाई ये बिज़नेस हम लोग शुरू करें कैसे कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से लाइसेंस की ज़रूरत होती है, हमें कैसे अप्लाई करना है, ये आपको पता नहीं रहता। आप बिज़नेस से शुरू करते हैं, बिज़नेस शुरू करने के बाद इन्वेस्टमेंट आपका होता है, वो होने के बाद में कोई लाइसेंस के लिए आपको प्रॉब्लम आ जाती है, गवर्नमेंट का नोटिस आता है, गवर्नमेंट वाले ऑफिशियल आपका सामान उठा के लेके जाते हैं। ये सब झंझट करने से पहले आप बेसिकली इसके लिए कौन से लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है वो ध्यान से देखो। मैं आपको आसानी से और शॉर्ट में आपको ये पूरी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। मेरा नाम रविंद्र नायक है, मैं लास्ट 20 सालों से बिजनेस लाइसेंसिंग और कंसल्टिंग का मैं काम कर रहा हूँ। तो आज वीडियो में हम लोग देखेंगे कि चिकन शॉप के लिए आपको कौन से लाइसेंस की है। सबसे पहले आपको गुमास्ता लाइसेंस, जिसे शॉप एक्ट लाइसेंस कहते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन करना है। शॉप एक्ट लाइसेंस आप आराम से ऑनलाइन खुद भी घर पर बैठ के या फिर कोई भी ऑनलाइन सेंटर में जाके भी अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका एक फ़ोटो, आपके शॉप का नाम और जो भी आपकी रेंट रिसिप्ट है, अगर आपका वो खुद का है तो उसका रेंट रिसिप्ट, अगर आप रेंट से है तो रेंट एग्रीमेंट, ये सब नॉर्मल जो भी डॉक्यूमेंट है ये देके आप गुमास्ता या शॉप एक्ट लाइसेंस आसानी से निकाल सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट लाइसेंस आता है फूड लाइसेंस, जिसे फसाई लाइसेंस भी कहते हैं। इसके लिए भी सेम डॉक्यूमेंट आपको देने हैं। फसाई लाइसेंस के भी 3 कैटेगरी होती है, एक स्टेट नॉर्मल रजिस्ट्रेशन स्टेट और एक अगर आपका 4 करोड़ के ऊपर वाला है तो बड़ा वाला लाइसेंस रखता है। आपको बेसिकली स्टार्टिंग में क्या करना है, जो 100 रुपीज़ वाला है उसकी साल की फीस 100 रुपीज़ है, वो आपको निकालना है। उसके लिए नॉर्मल जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए वही डॉक्यूमेंट आपको देने हैं। आप फूड लाइसेंस निकाल के आपका बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तीसरा लाइसेंस आता है जिसे ट्रेड लाइसेंस बोलते हैं, जिसे हेल्थ ट्रेड लाइसेंस हम लोग बोलते हैं। आपका जो भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वहाँ से आपको हेल्थ ट्रेड लाइसेंस आप अप्लाई कर सकते हैं। ये नॉर्मल जैसे मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बताया वो आप एप्लीकेशन ऑनलाइन करके ये भी लाइसेंस निकाल सकते हैं। चौथा लाइसेंस आता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन। जीएसटी रजिस्ट्रेशन में भी आपको अगर कोई ऑनलाइन आप आपका मटेरियल बेचते हैं या फिर चिकन किसी क्लाइंट को आप बेच रहे हैं तो उनको जीएसटी नंबर वो आपसे डिमांड करते हैं। जीएसटी नंबर भी आप ऑनलाइन या किसी भी सीए या दूसरे से आप आराम से निकाल सकते हैं। और भी एक लाइसेंस आता है, पाँचवा लाइसेंस, जिसे हम लोग उद्योग आधार कहते हैं, एमएसएमई का लाइसेंस है या उद्योग उद्यमी कहते हैं। ये लाइसेंस भी आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं। उसमें सेम आपके एडिशनल आपको एक बैंक डिटेल इसमें देना पड़ता है, जो और जो मैंने डॉक्यूमेंट बताया ये डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ता है। ये सभी लाइसेंस आप आराम से बहुत ही 2-5 हज़ार में आपके आप खुद भी निकाल सकते हैं। इसमें कोई बड़ा खर्चा नहीं आता है। लोग क्या करते हैं कि 1-2 ही लाइसेंस निकालते हैं, फिर कोई लाइसेंस के लिए उनका प्रॉब्लम आता है। तो आज मैंने आपको पूरे डिटेल में इसके बारे में, लाइसेंसिंग के बारे में मैंने आपको बताया। ये सब लाइसेंस लेके आप आपका बिजनेस आराम से शुरू कर सकते हैं। फिर भी अगर इसके बारे में अगर आपके मन में कोई शंका है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजो। और भी अलग अलग बिजनेस, अगर आप कोई दूसरे बिजनेस के बारे में या फिर आपके मन में आइडिया है लेकिन आपको लाइसेंसिंग के बारे में पता नहीं है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं उसके लिए एक सेपरेट भी वीडियो बनाऊँगा और आपके सवालों के जवाब देने की मैं कोशिश करूँगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो आपके दोस्तों में भी शेयर करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाओ। थैंक यू।